हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में, जो कि रेडमी नोट 8 प्रो का सक्सेसर है। रेडमी नोट 8 प्रो जो आया था अपना, वो आया था 64 मेगापिक्सल के साथ बैक रियल कैमरा में, और उसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का था। उसकी एक मेन हाईलाइट ये थी कि उसका प्रोसेसर बहुत भारी था। बट दोस्तों, जब ये इसका सक्सेसर आया है रेडमी नोट 9 प्रो, इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। बट दोस्तों, अगर देखा जाए कैमरे के बारे में, तो इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का बैक का कैमरा दिया गया, वही अपन को रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो डिस्प्ले दोनों का एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि रेडमी नोट 8 प्रो का पीछे उसने फिजिकल फिंगरप्रिंट दिया हुआ था, इधर उसने साइड में वॉल्यूम रॉकर के ऊपर फिंगरप्रिंट दिया हुआ रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर। रेडमी नोट 9 प्रो का एक नया मैक्स करके और एक पीस लॉन्च होने वाला है, वो 25 मार्च को लॉन्च होने वाला है, जो कि अमेजोन ने उसका टीजर दिया हुआ था। रेडमी नोट 8 प्रो का जो मेन हाईलाइट था वो उसका मीडियाटेक का प्रोसेसर था और उसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा। वही बात अगर हम इसके अपडेट के अंदर देखा जाए रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर, तो इसके अंदर ना 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, ना इसका प्रोसेसर उसके जितना हार्ड है। बट इसका प्रोसेसर उतना ही अच्छा है, कुछ स्लाइटली चेंजेस होंगे प्रोसेसर में, बाकी सेम है। अगर हम बात करें इसके अंदर की, तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो का जो डिस्प्ले है वो FHD प्लस है। और अगर बात करें इसके फ्रंट सेल्फी की, तो ये आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देता है। और इसकी 5000 mAh की बैटरी के दोस्तों, 5000 mAh तो के बहुत बड़ी होती है, आपको 2 दिन तक के हैवी यूजेस के लिए बहुत हो जाए। और बात करें दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की के साइज़ की, तो दोस्तों अभी तक के मार्केट में जितने भी फ़ोन आया उनमें सब में बड़ा डिस्प्ले रेडमी नोट 9 प्रो का है, जिसका डिस्प्ले 6.67 इंच का है, मतलब 6.5 इंच से ज़्यादा का डिस्प्ले है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके साइड के जो बेजल्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, बट दोस्तों इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से आपको इसमें मूवी गेमिंग के लिए बहुत मज़ा आया। और दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट जो कि साइड में दिया गया है, ये वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका फिंगरप्रिंट साइड में दिया हुआ है। और दोस्तों, अब ये जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है वो आज की तारीख में 12 बजे लॉन्च होने वाला है।